पिछले कुछ दिनों तो पोंग डैम के आस पास बहुत सारे विदेशी पंछियों की मौत हो गई। जे हुण तक की असी गल करिए इत्थे तकरीबन 2300 पंछियों के मरण दीयां खबरां मिलियां हन। यह सारे पंछी वाइल्ड लाइफ के अंदर पाए गए हैं। इन्हां च बर्ड फ्लू पॉजिटिव की रिपोर्ट जलंधर के लैब तो सामने आई है। नॉर्थन रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी के डिप्टी डायरैक्टर महेंद्रपाल सिंह ने दसिया कि इस तो डरन की कोई लोड़ नहीं है। सर जिहड़े साडे कोल पोंग डैम तो जो माइग्रेटरी बर्ड सीगे दो वो आए सीगे मरे हुए सीगे 30 तरीक नूं, ते फिर उन्हूं असी इत्थे अपने प्रोसैस करके टैसट लगवाया ते सानूं शक लग्या जदों टैसट विच लग्या कि यह पॉजिटिव लगते हैं बर्ड फ्लू लई, ते असी इमीजिएटली जिहड़ी ओह रिपोर्ट आ हायर अथॉरिटी नूं भेजी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी, ते उहदे जिहड़े सैंपल सीगे असी उह 31 तरीक नूं 31 दिसंबर नूं असी भोपाल भेज दिते हैगे। तो साइमलटेनियसली जिहड़े लाइव वाइल्ड लाइफ वाले सीगे उत्थों आए सी सैंपल लैके उन्होंने भी इंस्ट्रक्ट किया कि तुसीं भी सैंपल ये उत्थे भेज दो। वो सैंपल जिहड़ा रिजल्ट कल आ गया कि उहदे विच H5N1 जिहड़ा नाम का स्टेन जिहड़ा सीगा वो बर्ड फ्लू का मिले हैगा, ते इस करके हुण वो एरिया जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों नोटिफाई करता गया हैगा। 3 किलोमीटर रेडियस के हर प्रकार की जिहड़ी हैगी एक्टिविटी वो कंट्रोल बंद करती गई है कि तां जो बिल्कुल देखा जाए कि ये जिहड़े वर्ड आ किसी साडे नॉर्मल जिहड़े डोमैसटिक हैगे उन्होंने तो नहीं खराब करते। इस करके मानजो डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा वालों भी अज पेपर्स के चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाती गई है। तो इस तो बाद हुण ये जिहड़ा डी नोटिफाई करन वास्ते सानू जिहड़ा पूरा उहदी फॉलो अप सानू करनी पैगी। जिहड़ा साडा स्टैंडर्ड ऑपरेशन हैगा बर्ड फ्लू का उहदे विच असी नॉर्मल साडे कोल सैंपल आते रहिंदे आ, पर ये जिहड़े सैंपल आ नॉर्मल डोमैसटिक पोल्ट्री दे नहीं सी, ना किसी बैकयार्ड पोल्ट्री के सी, सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ जिहड़ी गीज सीगियां उहनां दे दो सैंपल सीगे उहदे विच पॉजिटिव मिले है। सर्विलेंस करते पे हाँ, पर रीसेंटली साडे जिहड़ा इह काफ़ी 2-3 साल तो सानू इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2015-16 दे विच ही साडे पंजाब दे विच राजपुरे दे विच शायद इह होया सी, इक वारी सुखना लेख दे विच भी होया सी, मतलब कि 15-16 तो बाद पहली बार ये देखा गया। कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं ये नाल ना कि कोरोना के नाल कोई लेना देना है, एक सैपरेट बीमारी हैगी है, तो यदा कोई घबरन की लड़ नहीं हैगी आम पब्लिक न। असी जिन्नी भी एहतियात है कि जिस एरिए सूँ पता लग जाता उन्होंने असी बिल्कुल सैपरेट करके जी हैगी क्वारंटाइन जोन बना दें। असी बिल्कुल जी उसे डोमैसटिक पोल्ट्रीज बैकयार्ड पोल्ट्री है उन्होंने रीसैंपलिंग करा कि कितने साडे लोकल जानवरों के बीच नहीं ये प्रॉब्लम आ गई। जे जो सैंपल साडे लै लाँगे जे डेड वर्ड होर होणगे उन्होंने दोबारा फिर चैक करांगे, ते जिन्ने चिर उतों पता नहीं लगता भी इत्थे कोई है नहीं बीमारी साडे ते सानू पैनिक होने की तो लोड़ कोई नहीं, पर कि असी उत्थे रिस्ट्रिक्शन लगवाती है उस एरिए दे विच। हुण मूवमेंट ये बारे तो कोई एग्जैक्ट नहीं दसा जाता कि जगह तो जिदा नहीं इंडिया के नहीं है बाहरों आए माइग्रेटरी बर्ड्स। उत्थे ही डॉक्टर चरणजीत सिंह ने कहा कि अजिहे पंछी रूटीन विच ही इत्थे आउंदे रहिंदे हन, पर इस समय सानू डरन दी कोई लोड़ नहीं क्योंकि कांगड़ा वाइल्ड लाइफ ने सरकार दे आदेश तो बाद उस इलाके नू क्वारंटाइन कर दिता है। देखो जी बर्ड फ्लू जिहड़ी बीमारी है ये ज़्यादातर पंछियों विच पाई जाती है, तो ये डोमैसटिकेट बर्ड भी हो सकती है, तो जिहड़ी हैगी आ माइग्रेटरी बर्ड्स आ वाइल्ड बर्ड जिहड़े उन्हां च भी हो सकती हैगी आ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਪਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਜਾਂ ਐੱਗ ਵਗੈਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RDDL ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਾਈਲਡ ਬਰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਯੂਜਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨਿਕਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ।